वेटिकोवेली, एंड जस्ट इन केस इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट तो प्लीज मुझे बताइएगा बिकॉज Assalamualaikum जी, क्या हाल है सबके। दिस इज़ लामिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिबलिसी। मैं ये अपने बालकनी का दरवाज़ा बंद कर रही हूँ एक्चुअली। सो आई होप जी आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस यहाँ पर जब से हम लोग आए हैं मेरी जो है थोड़ी सी तबीयत यहाँ पर डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, यू नो तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, खाने पीने की रूटीन और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो अगर तो आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ओके जी गाइस, सो आज का जो बेसिकली हमारा प्लान है वो आज ये है कि हमने तिबलिसी की जितनी भी मेन मेन जगहें हैं हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर आप यहाँ पर जगह कर सकते हो, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज़ लाइक अमेजिंग। लाइक यहाँ पर एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर हमारे लाइक पाकिस्तान यूए वगैरह में ऊबर और करीम होती है, और यहाँ पर भी एक है बॉल्ट के नाम से। सो उससे आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली यू नो यू कैन मूव अराउंड। और उसके अलावा देर इज़ लाइक मेट्रो स्टेशन, बसेस, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट अगर तो आप लाइक इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आपको ड्राइव करना पसंद है, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है एंड आप रेंट अ कार यहाँ पे कर सकते हो वेरी इजीली। एंड जैसे कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड अगर तो पाकिस्तानियों पाकिस्तानी जो भी यहाँ पर आ रहे हैं अगर तो उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेड है, और यहाँ से लाइक आप रेंट अ कार कर सकते हो और इजीली। माय हस्बैंड बेसिकली ही लव्स ड्राइविंग एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स। सो हमने अपने रेस्ट ऑफ द ट्रिप के लिए है जो कि लाइक 3 डेज़ का बाकी है तो हमने जो है रेंट अ कार कर ली है। सो आज जो है बेसिकली हम पूरा तिबलिसी इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है एंड स्टे ट्यून्ड। जॉर्जिया की एक बहुत ही एंशंट जगह है एंड यहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी है, माउंटेंस हैं, एंड बिल्कुल ही बिहाइंड मी बेसिकली देयर इज़ अ वेरी फेमस कैथेड्रियल चर्च है यहाँ पे जो अभी हम इसके बाद विजिट करेंगे। फॉर नाउ लेट मी जस्ट गिव यू ओवरव्यू ऑफ दिस प्लेस। इट्स रियली अमेजिंग एंड अभी हमने जस्ट एक शॉर्ट ब्रेक लिया है यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल आगे तेरे से देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं दे आर लाइक सो गुड एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। एंड लाइक नॉर्मली भी अगर आप कहीं जाते हो तो वैसे जो है यहाँ पर अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ सो यहाँ पे ना यूजुअली जो है ब्रेड्स वगैरह अवेलेबल होती हैं हर जगह पे, तो इसलिए अभी हमने डिसाइड किया टू हैव सम फ्रूट्स व्हिच इज़ वेरी हेल्दी। ओके
ओके गाइस, सो फाइनली आई हैव एंटर टू दिस मार्केट बेसिकली, एंड यहाँ पर जैसे ही हम एंटर हुए हैं हमें अपने लेफ्ट पे ये एक रेस्टोरेंट नज़र आया है. सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ लॉन्ग काइंड ऑफ अ रोड जहाँ जो हमें लेकर जाएगा टूवर्ड्स द कैथेड्रियल. एंड रस्ते में लाइक देर आर वी आर गोइंग टू स्पॉट डिफरेंट शॉप्स जैसे कि शो पीसेज और खाने पीने की चीज़ें. एज़ मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे फ्रूट्स और जूसेस बहुत लाइक कॉमन है मिलना, सो उस तरह की शॉप्स है. सो इट लुक्स रियली हैप्पी. What is this? Churchill. Churchill is made from grapes. From desert. And inside us, Nigozit Hini. Nuts. Inside nuts. Inside here, chili. Apple, clear sliver. Oh, okay. Okay, thank you. This is Falafi. It's made from grapes. Saft. Grapes. Grapes saft. Grapes saft. Okay. The darkish. Okay, thank you. ओके जी, यहाँ पर जो है इट्स लाइक अ मार्केट जहाँ पे इन लोगों की ट्रेडिशनल चीज़ें पड़ी हुई हैं, ज्वेलरीज हैं एंड वही सारी चीज़ें हैं जो यूजली आपको मार्केट में मिलती हैं हर कंट्री के हिसाब से. सो इट्स लाइक अ लॉन्ग रोड एंड वेदर अच्छा है. अरे सो अभी हम इस पूरे लाइक मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं. ओके गाइस, सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द कैथेड्रियल. सो ये बेसिकली जो कैथेड्रियल की है एंट्रेंस है जहाँ पे you know, उसके बारे में लिखा हुआ है एंड एक पूरा इसका जो मॉडल है वो यहाँ पर है. एंड ये लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड यू कैन सी इट इज़ लाइक आप देख के बता सकते हो इट्स लाइक एन एंशंट बिल्डिंग. और अभी जस्ट हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ है. Yeah.
So finally now I'm going inside, and let me tell you something about this cathedral. It is the second largest church building in Georgia after Holy Trinity Cathedral. So यहाँ पर एक और बहुत बड़ा cathedral है, वहाँ पर तो हमने visit नहीं किया, but this is the second you know largest church in Georgia, and indeed it was very huge and very very historical. So this church basically is built in 4th century and ये बहुत दफ़ा जो है damage भी हो चुका है, और basically ये जो church का नाम है that is Sweaty Valley, and the meaning of sweaty is इसका meaning होता है pillar, and जो word valley है उसका जो meaning है वो है like life giving, like living. So इस word का जो meaning है वो ये है, and उसके अलावा ये जो पूरा जो cathedral है बहुत ज़्यादा defensive wall से बना हुआ है. आप देख सकते हैं कि जो स्टोन्स हैं और जो ब्रिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाइक काइंड ऑफ डिफेंसिव है. और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो चर्च है ये डैमेज्ड हो चुका है ड्यू टू अर्थक्वेक और डिफरेंट जो वॉर्स वगैरह हुई हैं उनमें भी ये काफ़ी डैमेज हो चुका है. एंड ओवर हियर यू कैन सी लाइक यहाँ पर जो हमें कुछ ग्रेव्स भी नज़र आ रही हैं, सो ये बेसिकली कुछ किंग्स हैं क्वींस हैं उनकी ग्रेव्स यहाँ पर हैं. एंड ओवरऑल जो यहाँ पर लोग थे, कुछ लोग यहाँ पर जो आए हुए थे दे केम हियर बिकॉज ऑफ द वर्शिप, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, एंड कुछ जो लोग थे ऑफकोर्स जो टूरिस्ट थे हमारी तरह दे वर जस्ट कमिंग ओवर हियर टू एक्सप्लोर इट. सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल यू नो, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू इफ़ यू कम ओवर हियर, सो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. Coming back from this cathedral, and it was an amazing experience. और ये basically जो cathedral है church है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, और इसकी जो construction है like बहुत ही पुराने time की हुई है, and I think अभी ये लोग इसको renovate वगैरह कर रहे हैं, but अंदर से तो आप लोगों ने पूरा view देखा है, तो like it is like really amazing. अगर तो Tbilisi आएँ तो इस जगह को लाजमी विजिट करें आप. ओके जी, सो फाइनली जो है हमने cathedral को विजिट कर लिया है, और इस cathedral का जो नाम है वो है Sweaty Valley. And just in case if I'm not pronouncing it right, तो please मुझे बताइएगा, because मैंने ये यहाँ पे एक जो जॉर्जियन लेडी है उससे पूछा है कि ये कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं. सो ये बेसिकली जो कैथेड्रियल है इट इज़ मोर देन 1200 ईयर्स ओल्ड, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इतना पुराना है और बिल्कुल ही पुरानी स्ट्रक्चर की तरह बना हुआ है. सो इट वॉज़ वेरी अमेजिंग टू विजिट दिस प्लेस. तो अब हम यहाँ से फ्री होकर जा रहे हैं टू आवर होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, और थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमने करना है. सो अभी के लिए जो है मैं ये वीडियो एंड करूँगी, सो फिर मैं आपसे मिलती हूँ विद समथिंग न्यू. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड